उसके पीछे है उनका स्पेशल पराठा। जी हाँ, पराठा। भले ही पराठे के नाम से आज लोग डरते हों, लेकिन मोदी एक ऐसा खास पराठा खाते हैं जो उन्हें दुरुस्त बनाए रखता है। खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था, और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। जी हाँ, पीएम मोदी खाते हैं ड्रमस्टिक यानी सहजन का पराठा। कई लोग इसे मोरिंगा भी कहते हैं। पराठा दरअसल ड्रमस्टिक का नहीं बल्कि उसके पत्तों का बनाया जाता है। तो चलिए मोदी के इस स्पेशल पराठे की रेसिपी भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ड्रमस्टिक के पत्तों को लेकर साफ कर लीजिए, धोकर बारीक चॉप कर लीजिए। एक बड़े बर्तन में जरूरत के हिसाब से गेहूं का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाइए, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालिए। ये जरूरी है कि पराठे सॉफ्ट रहें, उसके लिए थोड़ा सा दही मिलाना मत भूलिए। अब थोड़ा अजवाइन, थोड़ा भुना हुआ जीरा और हल्दी का पाउडर डालिए। हल्दी डालना क्यों जरूरी है ये भी पीएम मोदी से ही सुनिए। जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। जरूरत के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े तिल, दरदरा कुटा लहसुन, बारीक कटा हरा धनिया, स्वाद के हिसाब से नमक, 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और फिर लास्ट में सहजन की कटी हुई पत्तियां मिलाइए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और आटे की तरह गूंथ लें। ध्यान रखें कि सामान्य से थोड़ा सख्त आटा ही गूंथें, क्योंकि इस मिक्सचर का डो कुछ देर के बाद खुद ही सॉफ्ट होने लगता है। अब पराठा बनाने के लिए लोई लेकर उसे थोड़ा तेल लगाकर अच्छे से गोल आकार में बेल लें और फिर पराठे को देशी घी या फिर ऑलिव ऑयल के साथ सेक लें और तैयार हो गया आपका मजेदार टेस्टी हेल्दी मोदी जी वाला ड्रमस्टिक की पत्तियों का पराठा। अब ये भी जान लीजिए कि मोदी जी वाले इस पराठे के फायदे क्या हैं। सहजन के पेड़ को मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, और ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। अस्थमा, डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए ये रामबाण इलाज माना जाता है। कहते हैं कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगता है। हमारे लंग्स के लिए सहजन बेहद ही फायदेमंद है, इस लिहाज से कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी ये लाभकारी हो सकता है। तो पीएम मोदी की तरह रोज योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज कीजिए और हफ्ते में एक बार मोदी जी वाला स्पेशल पराठा जरूर खाइए।